अबे पप्पू, आज वुमेन्स डे है यार। भाई देखो, वुमेन का हिंदी में मतलब होता है लेडीज, नारी, औरत, युवती, इनमें से कोई भी नहीं हूँ मैं। अबे वो तो है पप्पू, पर यहाँ पर लिखा है कि आज के दिन सारे मर्दों को अपनी माँ, बहन, बेटियाँ, बीवी सबके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। हाँ तो भाई तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? क्यों, मैं अकेले क्यों? तुझे कुछ नहीं करना वुमेन्स डे पे? अरे भाई मैं क्यों करूंगा, मेरी माँ, बहन, बेटी कोई भी तो नहीं है इस घर में। यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे घास नहीं डाल ली। अबे पप्पू, लेकिन तू घास की चिंता क्यों कर रहा है यार, तू थोड़ी ना घोड़ा है। अरे भाई घास से मेरा मतलब है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे भाव नहीं दे रही है। हाँ इसमें कौन सी नई बात है पप्पू। खैर तू अपनी गर्लफ्रेंड की राम कहानी गाना बंद कर और ये सोच के हम लोग चंदू के लिए क्या स्पेशल करें। वाह 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 भाई, मैं अपनी राम कहानी बंद कर दूं और तुम्हारी राम कहानी सुनूं, इतना वेल्ला भी नहीं हूं मैं। पप्पू चंदू तेरी भाभी है यार और भाभी माँ समान होती है, क्या तू अपनी भाभी के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना चाहेगा? पता? अरे भाई सीधा सीधा बोलो ना यार, बत्ती नहीं जल रही। पप्पू लेकिन मैं तो बत्ती जलाने को कह भी नहीं रहा हूँ यार। लगता है तुम्हारी इस बात का भी बीड़ा मुझे ही उठाना पड़ेगा, वरना तुम्हारा बेड़ा तो पार होने से रहा। अबे यार ये बीड़ा और बेड़ा की बांसुरी बजाना बंद कर और ये बता कि हम लोग चंदू के लिए क्या स्पेशल कर सकते हैं। भाई मैं तो नहीं, लेकिन तुम तलाक दे दो भाभी को। अबे चलो बाय, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और हाँ, ये सारा दिन टीवी मत देखते बैठना, कुछ सफाई भी कर लेना घर पे। भाभी एक मिनट, भाभी हैप्पी वुमेन्स डे। भाभी थैंक्स पप्पू। चंदू हैप्पी वुमेन्स डे। अरे नंदू ये कितना भारी है, इसे वापस रख दो। अरे चंदू पर मैंने तो तुम्हें इतने प्यार से दिया यार। थैंक यू नंदू, पर इसे मैं अपने पर्स में डाल के ऑफिस नहीं ले जा सकती ना चंदू। ना तो ये ऑफिस जाएगा और ना ही तुम ऑफिस जाओगी। क्यों? अरे चंदू आज तुम्हारा स्पेशल डे है यार, घर पर आराम करो, टीवी देखो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में बिताओ, बस ऐश करो। अगर मैं ऐश करूंगी तो ऑफिस कौन जाएगा, तुम दोनों? क्यों नहीं चंदू, तुम्हारे खास दिन को और खास बनाने के लिए मैं एक दिन क्या रोज ऑफिस जा सकता हूँ। टेढ़ा गर्क भाई, भावनाओं में बह के तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? अबे पप्पू बोल दिया तो बोल दिया यार, आज चले जाते हैं, कल की कल देखेंगे। देखो तुम लोगों ने मेरा वुमेन्स डे स्पेशल बनाने के बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है, पर देखो मुझे ना ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, बाय। नहीं चंदू, मैं तुम्हें ऑफिस नहीं जान दूंगा। नंदू तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा आज ऑफिस जाना ना बहुत जरूरी है। चंदू प्लीज यार, आज का दिन। भाभी प्लीज प्लीज चंदू। अच्छा ठीक है, पर देखना तुम लोग ना वहाँ जाके कोई स्यापा मत कर देना, वरना जो बची कुछ ये एक नौकरी है ये भी चली जाएगी। क्यों चंदू, तुम्हें हमारे टैलेंट पर शक है क्या? नहीं, मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ तो भाभी हमें जाने दो ना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों ना अच्छा बनता काम ना बिगाड़ के जरूर आ जाओगे। अरे भाभी डोंट फियर व्हेन वी आर हियर। गुड लक। नहीं नहीं चंदू, हमें तुम्हारी शुभकामनाओं की कोई जरूरत नहीं, हमारी टैलेंट ही काफी है। मैं तुम्हें नहीं, मेरे ऑफिस वालों को गुड लक कह रही हूँ। ओह तो ठीक है, तो भाभी यू जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द डे। चल पप्पू रेडी हो जाते। चलो भाई मैं अपने कमरे में जाता हूँ। हाँ मैं तो एंजॉय करूंगी, पर ये दोनों ऑफिस जाके क्या उद्दम मचाएंगे ये तो भगवान ही जाने। हे बाबा जी, मेरी नौकरी की रक्षा करना। मेरी कमीन, यू आर ऑलरेडी कमीन। हेलो 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 हेलो। सर आपको आवाज आ रही है? आवाज के साथ साथ मुझे तुम दोनों दिखाई भी दे रहे हो, पर तुमने वो क्यों पूछा? वो क्या पूछा? अरे वो पूछा ना। क्या वो? अरे वही ना जिसका वो देख के लोग करोड़पति बन जाते हैं। घूस? हाँ आजकल तो घूस लेके लोग करोड़पति बन जाते हैं। अरे वो नहीं, मैं उस वो की बात कर रहा हूँ जिसका वो देखे परीक्षा में पास या फेल होते हैं। सवाल? हाँ सवाल, पर तुमने वो सवाल क्यों पूछा? क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो गए, आपने हेलो हेलो किया ना तो हमको लगा कहीं आप हमसे फोन पे तो नहीं बात कर रहे हैं। पर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? एक काम करने। देखो अभी मेरी वो में वो नहीं है, तुम दोनों जाओ। हाँ वो नहीं आई इसलिए तो हम दोनों आए काम करने। वो नहीं आई? अरे वही तो, भाभी नहीं आई है इसलिए तो हम लोग आए काम करने। अरे कौन सी भाभी, किसकी भाभी? मेरी भाभी। भाभी का कोई वो तो होगा? अरे मैं हूँ ना अपनी चंदू का वो। चंदू? हाँ भाई ना प्यार से उन्हें चंदू बोलते हैं। अच्छा
अगर प्यार से ना बुलाना हो तो क्या बोलते हैं? चांदनी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम दोनों चांदनी के रिश्तेदार हो। अब हर कोई हमारी तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट थोड़ी होता है, कुछ लोग आपकी तरह स्लो भी तो होते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसा सुनो तुम दोनों वो कर पाओगे? वो हेलो, वो नहीं नहीं वो बहुत बिजी है, बाद में फोन करना। अरे किसका वो था? पता नहीं कौन था, कहता है वो जो करता है ना बुड़बक उससे बात करा दो। मेरे वो का वो था? आपके वो को वो मतलब? अरे मतलब मेरे बॉस का वो था। हाँ ये तो भगवान अंकल से भी ज्यादा पकाता है यार। चलो 9:00-11:00 हो जाते हैं। हेलो ये सर? नो सर, नो सर, वो सर, सर खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अबे क्या है यार पप्पू, चंदू तो कहती थी ऑफिस में इतना सारा काम होता है, कहाँ है मुझे तो कोई काम दिख नहीं रहा। नहीं भाई भाभी सही कह रही थी, बहुत काम होता होगा उनको। क्यों तुझे कोई काम दिख रहा है क्या? अरे भाई भाभी का सबसे बड़ा काम तो वो बॉस का वो समझना है। बॉस का वो? हाँ भाई वो मतलब उनके वो बोलने की आदत जो है ना, भाभी तो वो सुन के थक जाती होगी। अबे यार क्या यार ये क्या है भाई? हाँ? खाने का जुगाड़ हो गया भाई, यहाँ तो मैगी के लिए अलग से नंबर भी है। मंगा ले मंगा ले। हाँ साथ में तो चाय भी बोलना। हाँ, दीदे हेलो। मैगी देना दो ये बिन में। क्या बात है भाई। हाँ? भाभी की ऑफिस की कैंटीन में भी लड़कियां फोन उठाती है। हाँ? Yes. मैगी नहीं लाई? मैं ही हूँ मैन। नहीं नहीं आप तो गलत फहमी हुई है, आप मैन नहीं है, आपको तो हिंदी में वुमन बोलते हैं। ये तो मेरे को मालूम है मैन। आप समझी नहीं, आज ना वुमेन्स डे है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मैन है या वुमेन है, कि आपको ये भी डिसाइड करने में आसानी हो कि आप स्पेशल फील करना चाहती हैं या स्पेशल फील करवाना चाहती हैं। What? इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप मैगी नहीं लाई। लगता है मेरे माफिक तुम दोनों का हिंदी भी गड़बड़ है मैन। नहीं नहीं गड़बड़ तो ये हुई कि आप मैगी नहीं लाई। मैं आ गई मैन। लेकिन आप मैगी तो नहीं लाए ना। तुमको मैगी क्यों मांगता है मैन? खाने के लिए। आपको तो नहीं खा सकते ना। तो तुमको खाने वाला मैगी चाहिए मैन। हाँ वो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर लिखा क्यों है? हाय वो तो मेरा एक्सटेंशन नंबर है मैन, और मेरा नाम मैगी है। येपा। और मेरा नाम नूडल्स है। What? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, बहुत पुराने हो गए ना इसलिए इतने पुराने और घटिया पीजेस मारते हैं। वैसे आप ऑफिस में करती क्या है? तुम दोनों को कुछ काम नहीं है लेकिन मेरे पास तुम लोगों के साथ चिट चैट करने का कोई टाइम नहीं है मैन। अरे अरे यार पागल लड़की है, सामने सामने बात कर रही है और कह रही है कि हम चिट चैट कर रहे हैं। अरे छोड़ो ना भाई, असल में हम लोगों के सोचने का जो लेवल है ना, ये लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। सही कह रहा है पप्पू। हेलो ये तुझे पता है आज ना वुमेन्स डे पे मुझे स्पेशल फील कराने के लिए नंदू और पप्पू मेरी जगह ऑफिस गए। हाँ पता है आज ना मैं बहुत 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 खुश हूँ, और मुझे पहली बार पता चला नंदू मुझसे कितना प्यार करता है, और हाँ पप्पू भी मेरी इज्जत करता है। अच्छा सुन अब मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज ही कर लूँ, मुझे ना मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ बाय। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानियां, तेरी आंख से मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे हाथ जो खिले दिल खिला,
पीके, ये मेरा वो है, तुम यहाँ वो पहन के क्यों नहीं आए? तुम्हें कुछ वो है कि नहीं? सर, मेरे इतने छोटे से दिमाग में आप इतना सारा वो मारेंगे तो मेरा वो है ना फट जाएगा सर। तुम मेरा वो उड़ा रहे हो, वो? सर, मैं पतंग तो उड़ा नहीं सकता, आपका वो कहाँ से उड़ाऊंगा? तुम एक काम करो, चांदी का वो साफ करो। सर, मैं प्यून हूँ सर, कोई गुंडा नहीं जो चांदनी का पत्ता साफ कर दूं। अरे मैं चांदनी का पत्ता साफ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो साफ करने की बात कर रहा हूँ जहाँ हम बैठते हैं। कमोड नहीं, कुर्सी नहीं, उससे भी बड़ा होता है वो। टेबल नहीं, अरे जिसमें टेबल और कुर्सी साथ में होती है जहाँ हम बैठते हैं। केबिन। हाँ, केबिन। लेकिन सर, मैं अकेला इतना सब कुछ कैसे करूंगा सर? ज्यादा वो मत मारो और 15 मिनट में वो रेडी रखो। 15 मिनट में सर? हाँ, और वहाँ दो वो है ना, वो तुमको समझा देंगे कि वो कैसे करना है। सर, मैं वो है ना वही जाके समझ लेता हूँ, क्योंकि वो यहाँ समझना बड़ा मुश्किल है सर। चलता हूँ सर। हेलो आस्तर विस्ता, आपका फोन कौन है यार? हेलो, सुनो, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट पी के आने वाला है, उसके लिए वो रेडी रखना। पर कमाल करते हैं आप, आपका ऑफिस, आपका क्लाइंट, आपका धंधा, तो हम क्यों तैयार करें? अरे धंधे की बात मैंने कब की, क्लाइंट पी के जब आ जाएगा तब मैं भी वहाँ जाऊँगा। फिलहाल प्यून तुम्हारे कमरे में आ रहा है, उसे वो करने के लिए समझा देना। आप टेंशन मत लीजिए, समझाने में तो हम दोनों भाई बहुत ही माहिर हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा पियक्कड़ हो, लेकिन आज के बाद नहीं पिएगा। देखो, क्लाइंट पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए वो सब करना बहुत जरूरी है, समझे? नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। ओके, बाय। यस, आई एम पीके सर। आइए सर। अरे आप खड़े क्यों, आप बैठिए ना, प्लीज 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 बैठिए 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 ना सर, ये लीजिए पानी, पानी पीजिए। हाँ जी, भर के पानी पीजिए, और इसके बाद ना सारी हेल्दी चीजें पीजिएगा, दारू मत पीजिएगा। दारू? हरिओम हरिओम हरिओम, मैंने तो आज तक दारू को हाथ भी नहीं लगाया है। तो फिर बॉस ने क्यों कहा कि आपको समझाने के लिए? अच्छा वो सब छोड़िए, बॉस ने कहा था कि हम आपको इम्प्रेस करें, तो ऐसा क्या करें कि आप इम्प्रेस हो जाएं? ये लो, 15 मिनट में ये कैबिन को अच्छी तरह से साफ कर दो। हैं? साफ करना पड़ेगा? अच्छा, उससे आप इम्प्रेस हो जाएंगे? ओके ओके, अभी कर देता हूँ। भाई इधर, इधर इधर भी भाई, इधर भाई, यहाँ नीचे भी सफाई करो, इधर से भी। भाई जल्दी नीचे आओ। हाँ, इसकी चप्पलें देखो। अरे पप्पू यार, 15 मिनट में पूरी केबिन साफ करनी है और तू इसके सड़े हुए चप्पल देख रहा है? भाई सोचो तो, कोई क्लाइंट सड़ी हुई चप्पल क्यों पहन के आएगा? हाँ यार, क्या टाइम पास हो रहा है, जल्दी ले हाथ चलाओ। वैसे नाम क्या बताया तुमने? मैंने तो नाम बताया नहीं। अब बता दो। मेरा नाम पंकज कुमार है। और तुम इस ऑफिस में करने क्या आए हो? मैं इस ऑफिस में 10 साल से प्यून हूँ। क्या? अबे लपड़ लसुन, इतनी देर से क्या मजे ले रहा था? चल जो काम करने के लिए आया वो कर, नहीं तो बॉस से तेरी शिकायत कर दूंगा। ये ले। तेरी आँख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है, बेखाबियाँ बेताबियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। हो गया सर। क्या भाई, तुम्हारी वजह से प्यून भी मजे ले गया हमसे। अबे छोड़ना यार, बॉस को फोन लगा, बॉस को फोन लगा। वो को? वो? हाँ वो को यार, लगा ना। क्या नंबर? मुझे ले, मुझे ले। हेलो। हेलो बॉस, सारा काम हो गया, अब मेरी चंदू का प्रमोशन कंफर्म ना? मैं सोचूंगा। ओके। क्या हुआ? सोचूंगा बोलता है।
भाई ये वो बोलने में इतना सोचता है, उसके लिए कितना सोचेगा। वेरी गुड, मैं तो खामखा इन लोगों से डर रहा था, इन्होंने तो काम कर दिया। हाय, आज मेरे नंदू और पप्पू दोनों काम करके थक हार के घर पे आएंगे, तो मैं उनके लिए गर्मा गर्म समोसे बना के रखूंगी। हाँ, वो लोग आएंगे और फिर हम तीनों मिलके गर्मा गर्म समोसे चाय पियेंगे। हे बाबा जी, बस इस पे किसी की नजर ना लगे। हाँ बॉस, ये लो आपकी चौथी चाय। रुको, चाय देते वक्त वो गिनाने की क्या जरूरत थी? तो क्या करूं, इतने बड़े ऑफिस में एक मैं ही तो वो हूँ। तुम वापस मेरा वो उड़ा रहे हो। बॉस, डायलॉग रिपीट करने का मूड नहीं हो रहा है। क्या वो कर रहे हो? तो क्या करूं, जो भी करता हूँ मैं अकेले ही तो करता हूँ। आखिर तुम करते क्या हो पूरा दिन, जो कब से वो मार रहे हो? चैन की एक सांस भी नहीं ले पाता मैं पूरे दिन। कल ही मैगी बता रही थी कि तुम पूरा दिन वो से बचने के लिए वो में बैठे रहते हो। क्या बॉस, आप भी मैगी मैडम की बातों में आ गए? कुर्सी पे बैठ कर कोई कैसे छिप सकता है? अरे कुर्सी नहीं, जहाँ लोग बैठ के वो होते हैं, मोटे होते हैं। बैठ के तो लोग बॉस मोटे ही होते हैं। अरे मोटे नहीं, खोटे, जो सर में तेल डालने से होते हैं वो। सर में तेल की चंपी करने से रिलैक्स होते हैं, लेकिन बॉस बैठे बैठे कोई कैसे रिलैक्स हो सकता है? नहीं, जहाँ सुबह उठने के बाद जाते हैं नहाने। नहीं, नहाने से पहले कहाँ जाते हैं? समझा बॉस, वो क्या है ना, कुछ दिनों से मेरा पेट खराब चल रहा है इसलिए वहां बैठा था। ये बताओ, चांदी के वो की अच्छे से वो कर दी? वो तो अच्छे से होना ही था, आखिर आपने काम किसको सौंपा था? अच्छा, वो दोनों इतने वो हैं? देखने से तो वो लग रहे थे। बॉस, अब मेरे काम का क्रेडिट उन दोनों को मत दो। हाँ, वो दोनों तो वैसे ही हैं जैसे वो दिखने में लगते हैं। कैसे लगते हैं? एक नंबर के काम चोर। एक नंबर के काम चोर कैसे हो सकते हैं? आप नहीं समझोगे। अच्छा, मैं क्यों नहीं समझूंगा, मैं क्या तुम्हें वो लगता हूँ? बॉस, आप तो मुझे वो ही लगते हो। तुम तीसरी बार मेरा वो उड़ा रहे हो। बॉस, लगता है आपको पुराना डायलॉग पसंद आ गया है। रिपीट कर ही देता हूँ, मैं पतंग तो उड़ा नहीं सकता तो आपका वो कहाँ से उड़ाऊंगा? बस बस, डायलॉग माना बंद कर। ये बताओ कि सारी वो हो गई? हाँ हो गई। एक बात बता, तू मेरी सारी वो समझ जाता है? इतना तो मेरी वो भी मेरी वो नहीं समझती। कैसे समझेगी? और इतना ही आप काम करवाते रहे ना मुझसे, तो मेरी वो भी मेरी वो बातें समझना बंद कर देगी। क्यों? वो योगी, उसने मुझे धमकी दी है, या तो घर जल्दी आओ या तो पगार ज्यादा लाओ। आज क्लाइंट पीके के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए फिर सबको इंक्रीमेंट मिलेगा। सच्ची बॉस? हाँ सच्ची, पर ये इतना वो नहीं है। ये क्लाइंट पीके बड़ा वो है, बात बात पे वो कैंसिल करने की धमकी देता है। मैंने तो सब ठीक कर दिया है बॉस, पर उन दो नमूनों का पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा कर दे। ठीक है, तुम इन दोनों पे वो रखना, कहीं ये दोनों वो ना कर दे। बॉस, फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी उन दोनों की एक एक हरकत पर नजर है। क्या बात है? एक मिनट। हाँ बॉस। मेरा इतना कहने के बाद भी तुमने अपनी वो नहीं बदली, फिर वो पहन कर आ गए? बॉस, आप फिर से मेरी वो के पीछे पड़ गए? आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उन दोनों पे वो रखो। सॉरी बॉस। आइए सर, आइए 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 सर। ये सर, ये वो है। हेलो सर, वो है। हेलो, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, बैठे बैठे सर। अरे सर, आप खड़े क्यों हैं? अरे थोड़ा शिफ्ट हो, शिफ्ट हो थोड़ा। आइए 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 आइए। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात, छुप जाए चोर है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। अबे पीके के बच्चे, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? एक काम ढंग से नहीं कर पाता है, इतनी बड़ी कंपनी के लिए कैसे काम करता है? ये क्या बदतमीजी है? हाँ, इस तरह से कोई क्लाइंट से बात करता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। सर शांत हो जाइए, सर शांत हो जाइए। सर असल में कि इसका नाम भी पीके है। हाँ। ये हमारा पियोन है, पियोन, इसका नाम भी पीके है। शांत हो जाइए। मैं भी अपनी बीवी का नाम मैगी रखूंगा, देखकर ही भूख मिट जाएगी।
ये कैसे लोगों को काम पे रखा है आपने? पूरी फाइल खराब कर दी और कोर्ट भी, मीटिंग कैंसल और कॉन्ट्रैक्ट भी। सर सर गुड बाय। सर ऐसा मत कीजिए सर, सर मेरी बातों सुनिए सर। सर चाय पी के जाइए। सर सर सुनो तो सही सर। ए चुप, तुमने मेरी वो कर दी। जानी जानी पर बॉस, सर मेरी बात तो सुनिए। हेलो जानी, चंदू हमने सारा काम कर लिया। क्या काम कर दिया? ये काम तमाम कर दिया तुम दोनों ने मिलके। भाभी अब छोटी मोटी गलती तो हर किसी से हो जाती है। गलती मेरी थी जो मैंने तुम दोनों को ऑफिस भेज दिया। तुम दोनों ना यहाँ सोफे में आराम करते हुए टीवी देखते हुए अच्छे लगते हो। वाह, आज वुमेन्स डे के दिन पर कितना अच्छा आराम दिया है तुम लोगों ने घर पे। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।